Hello students, now in this lecture I am going to deal with the nutrition in bacteria. So in bacteria, nutrition is basically, it is of two types on the basis of the availability of the carbon sources, on the basis of the utilization of the carbon sources by the bacteria. So on the basis of the carbon sources utilized by bacteria, there are two types of the nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, बैक्टीरिया जे दे यूटिलाइज इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, टू सिंथेसाइज द फूड. वेयर एज इन केस ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया दे यूटिलाइज द ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स एंड दीज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स दे आर सिंथेसाइज बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक, बिकॉज they depends on the other organism for their to fulfill their carbon requirement for the nutrition. So in case of autotrophic nutrition bacteria, they utilize inorganic carbon compound, for example carbon dioxide. ठीक है, जबकि heterotrophic mode of nutrition में क्या होता है, bacteria they utilized organic carbon compound. ठीक है, organic carbon compound, and these organic carbon compounds they are synthesized by the they are produced by other organisms, and in this way we can see that here in this mode of nutrition bacteria depends on the other organisms for their carbon requirement. ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. अब यहां पे क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया इट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड. अब इस फिक्सेशन के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, फिक्स करके फूड सिंथेसाइज करने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहां पे जो है बैक्टीरिया इन ऑटोट्रॉफिक मोड के ऑफ न्यूट्रिशन, इट यूजेस टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी, टू अल्टरनेट टाइप्स ऑफ द एनर्जीज आर देयर. तो टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर देयर, आइदर इट यूज लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी. ठीक है, फॉर द फिक्सेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर. तो या तो ये लाइट एनर्जी यूज करेगा और या फिर केमिकल एनर्जी. जब लाइट एनर्जी यूज करता है तब बैक्टीरिया इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉप्स. व्हेन इट यूजेस केमिकल एनर्जी देन इट इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स. राइट, अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. फोटो ऑटोट्रॉप्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज PSB एंड GSB. अब हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि पहले हम इनका पिगमेंट देखते हैं. इसमें जो चीफ पिगमेंट होता है, द पिगमेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज बैक्टीरियो परप्यूरिन. ठीक है, वेयर इज द पिगमेंट इन
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इट इज बैक्टीरियो वेरिडिन और क्लोरोबियम बैक्टीरियो वेरिडिन. इन पिगमेंट का काम क्या होता है? बेसिकली दीज पिगमेंट्स दे फॉर्म द फोटो सिस्टम एंड दिस पिगमेंट्स दिस फोटो सिस्टम प्रेजेंट दिस पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द फोटो सिस्टम दे ट्रैप्स द सोलर एनर्जी दे अब्सॉर्ब्स द सोलर एनर्जी. वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटो ऑटोट्रॉप्स. फोटो ऑटोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरिया विच यूटिलाइजेस विच अब्सॉर्ब्स द लाइट एनर्जी फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द फूड. तो जो लाइट एनर्जी होती है उसको कौन अब्सॉर्ब करता है? लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट्स एंड दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन पिगमेंट सिस्टम. नाउ पिगमेंट सिस्टम और द फोटो सिस्टम इन केस ऑफ बैक्टीरिया सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम इज प्रेजेंट. वेयर एज हमने देखा है प्लांट्स में, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? देर आर two types of the pigment system present, pigment system 1 and pigment system 2. What are pigment system? Pigment systems are basically the group of pigments which are involved in the process of photosynthesis, okay, by trapping the energy of the sunlight. So यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया दोनों, चाहे वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दोनों में एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करता है, एक ही पिगमेंट सिस्टम होता है दोनों में. लेकिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का जो पिगमेंट सिस्टम होता है इट एक्टिवेट्स बाय अब्सॉर्बिंग द लाइट एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ 890 नैनोमीटर, ठीक है. तो पिगमेंट सिस्टम इट एक्टिवेट्स बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ 890 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है. 890 नैनोमीटर की वेवलेंथ की सनलाइट जब इस पे पड़ेगी तो पिगमेंट सिस्टम जो है एक्टिवेट होगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. यहां पे क्या होता है, इन केस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम वन, इसमें भी एक ही पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है और इट एक्टिवेट्स, दिस पिगमेंट सिस्टम एक्टिवेट्स बाय अब्सॉर्बिंग द सोलर एनर्जी और द सनलाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 840 नैनोमीटर, ठीक है. ये एक्टिवेट होकर के बेसिकली क्या होता है, जब पिगमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो एक्टिवेट होकर के दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है. हम देखते हैं ग्रीन प्लांट्स में दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पिगमेंट सिस्टम वन एंड पिगमेंट सिस्टम टू. यहां पे पिगमेंट सिस्टम वन पे जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, अपने फोटोसिंथेसिस में आप एक बार फोटोसिंथेसिस आप चैप्टर खोल के देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा. एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब कर सकता है पिगमेंट सिस्टम वन, इट इज PS 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज PS 700, यानी कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ, नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट एनर्जी को ये अब्सॉर्ब करेगा. पिगमेंट सिस्टम टू में इट अब्सॉर्ब्स 690 सोलर एनर्जी और सन रेज ऑफ द 690 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है. अब यहां पे क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम टू में क्या होगा, यहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर की फोटोलिसिस होती है, ठीक है. ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने पे इट विल गिव आउट 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करेगा, इट विल एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वहां से ये क्या सिंथेसाइज करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है प्लस एनएडीपी सिंथेसाइज करेगा एंड दिस एटीपी एंड एनएडीपी दे आर यूटिलाइज्ड बाय पिगमेंट सिस्टम वन इन फिक्सिंग द इन द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस टू सिंथेसाइज फूड. So this ATP and NADP, they are utilized to fix carbon dioxide to produce
और टू सिंथेसाइज फूड. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर हम देख रहे हैं. प्लांट्स के केस में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर कब निकलता है? जबकि पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम क्या होता है आपको याद होगा, पिगमेंट सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. आप फुल फॉर्म लिखिए LH3 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. फोटोसिंथेसिस में हमने इसको देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है. अब ये रिएक्शन सेंटर इज मेड अप ऑफ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ पिगमेंट. यहां पे अगर हम प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की, तो यहां पे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है. ठीक है, तो ये मान लो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज अगेन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP एंड प्रोटीन्स. LHP क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. इट इज मेड अप ऑफ मेनी एक्सेसरी पिगमेंट्स डिफरेंट, विच अब्सॉर्ब्स द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स. ठीक है, तो ऐसे कई सारे पिगमेंट से मिलकर के बनेगा LHP लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. अब ये डिफरेंट वेवलेंथ वाले अब्सॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स यहां प्रेजेंट रहेंगे. क्या होता है, सोलर सनरेज इन पे फॉल होगी और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके किसको पास करेंगे? सारे पिगमेंट्स एनर्जी जो है पास करेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को. और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फिर क्या करेगा? इट विल रिलीज एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. उससे ये एक्सेप्ट होगा और फिर इसके बाद फॉस्फोराइलेशन होगा, जो कि हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में हमने इसको स्टडी करी हुई है. ठीक है, तो इसी ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्टिवेशन होता है पिगमेंट सिस्टम एक्टिवेट होके जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर कहां से आ रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर दे आर नॉट द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी. तो सो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया? इन केस ऑफ हायर प्लांट्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर वाटर, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इलेक्ट्रॉन डोनर इज सोडियम थायोसल्फेट. राइट डाउन, सोडियम थायोसल्फेट. ठीक है, इन केस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इलेक्ट्रॉन डोनर इज सोडियम थायोसल्फेट एंड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एंड डोनर बोथ. इन केस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां पे लिखती हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इज H2S. हेयर सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोडियम थायोसल्फेट एंड वॉटर H2S, विच आर द which release, which are responsible for the donation for the donation of the electron, for the release of the electron. Right? Now, अब हमने देखा कि in case of plants, यहां पर oxygen release हो रहा है. This oxygen is releasing during the process. तो इस तरह की photosynthesis को हम बोलते हैं oxygenic photosynthesis. तो plants में जो photosynthesis perform हो रही है, that is ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. और बैक्टीरिया में किस तरीके की फोटोसिंथेसिस होगी? बिकॉज ऑक्सीजन इज not
evolved during this process. That's why it is known as anoxygenic photosynthesis. So this is the autotrophic nutrition in bacteria. Now, as we have seen that in light and photoautotrophic nutrition, bacteria, they are involving inorganic substances like sodium thiosulfate and H2S as an electron and hydrogen donor. So they are also known as, they can also be known as the photolithoautotrophic bacteria or photolithoautotrophic bacteria, because they are utilizing inorganic substances, inorganic compounds, carbon compounds, right? Inorganic compounds as the electron and hydrogen donor. Now next is chemoautotrophs. Second category in the case of autotrophic bacteria is chemoautotrophs. In this category, bacteria, they obtain energy. They obtain energy by utilizing certain, by oxidizing certain inorganic substances like ammonia, nitrite, nitrate, ferrous ion, etc. ठीक है, तो ये जो chemoautotrophs होते हैं, they obtain energy. They obtain energy by utilizing certain inorganic substances like ammonia, nitrite, nitrate, right, etc. ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि they are not utilizing light energy, they are utilizing chemical energy. ठीक है, they are utilizing these inorganic substances to obtain the energy. ठीक है, now I am discussing four different types of the chemoautotrophic bacteria. First is nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria, they are present in soil. Soil mein present rehte hain, and they convert ammonia into nitrite with the help of the bacteria are there. They convert ammonia into nitrite by the process of oxidation. So here oxidation is occurring. In this process, what happens? Electron will release. Electron nikalega. Now this nitrite will be converted into nitrate. Again the electron will be released during this process. Yahan pe kya ho raha hai? Oxidation ho raha hai. Or the bacteria which plays the role in this process. Here in case from the ammonia to nitrite conversion, the bacteria are nitrosomonas. जो बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं वो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस है, और नाइट्राइड से नाइट्रेट कन्वर्जन में जिन बैक्टीरियाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, दे आर नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन हुआ, और इस प्रोसेस में एन इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रैप्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इसको ट्रैप करेगा एंड एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएगा, एंटर कराएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ATPase, ATPase एंजाइम की हेल्प से यहां पे क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी, एंड दिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू फॉर्म फूड. सो दिस इज हाउ द
food formation takes place in case of chemoautotrophic bacteria. Here again you can see ki these are the inorganic substances which are utilizing to get the energy. That's why these chemoautotrophic bacteria, they can also be known as chemolithoautotrophic bacteria. Okay? Due to involvement of the inorganic substances, they are also known as chemolithoautotrophic bacteria. Another type of the chemoautotrophic bacteria is iron bacteria. Iron bacteria. इसमें क्या होता है? There will be the conversion of ferrous in salt into the ferric salt. यहाँ फिर से oxidation हो रहा है ferrous compound का ferric compound में, ferrous salt का ferric salt में. तो here will be the conversion of ferrous salt or the oxidation of ferrous salt into ferric salt. Again क्या हो गया? It will release इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये क्या होगा? फेरस सॉल्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं Fe++, फेरिक Fe++. अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द सेम पाथ, यही वाला पाथ इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा. ठीक है, एंड इट विल फॉर्म द, इट विल सिंथेसाइज द फूड. लेट्स सी द एग्जांपल, फेरोबेसिलस. फेरोबेसिलस थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया. हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर मॉलिक्यूल. अगेन इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एंड दिस विल फॉलो द सेम पाथवे टू सिंथेसाइज फूड. सेम पाथवे ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू सिंथेसाइज द फूड. एग्जाम्पल हाइड्रोजिनोमोनास. हाइड्रोजिनोमोनास. नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप ऑफ द कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज सल्फर बैक्टीरिया. सल्फर बैक्टीरिया अगेन व्हाट हैपेंस, सल्फर H2S विल ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म द सल्फर बाय द बैक्टीरिया बेगियाटोआ. ठीक है, and now this sulfur will be oxidized to form H2SO4 by the bacteria thiobacillus, and in both the process electron will release, oxidation ho raha hai, electron release hogi, and they will follow the same pathway for the fixation of carbon dioxide to form the food. So these are the chemoautotrophic bacteria. Jaise maine bataya कि दे ऑल हेयर इन ऑल द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया दे आर यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दैट्स वाई दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज कीमोलिथोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोलिथोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट, और लीथो कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें हम दो तरीके के टाइप के न्यूट्रिशन को देखेंगे. फर्स्ट इज फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स. फोटो
ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स राइट. अब इनमें फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स दोनों में और कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स में जो कार्बन सोर्स है, कार्बन सोर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनोट्रॉप्स बिकॉज देयर कार्बन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स राइट. तो यहां पे इन दोनों केसेस में कार्बन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एनर्जी सोर्स इन हेयर ऑल्सो कार्बन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एनर्जी सोर्स इन केस ऑफ फोटो ऑर्गेनिक हेटरोट्रॉफ इज यहां पे जो एनर्जी सोर्स होगा दैट इज लाइट एनर्जी. ठीक है, लाइट एनर्जी रहेगा. पर यहां इन केस ऑफ कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ द एनर्जी सोर्स इज द ऑक्सीडेशन एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा एनर्जी सोर्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट, अब ये जो फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. इसके पहले हमने देखा था कि उनको हम लीथो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोले थे बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन आयन डोनर एंड हियर दे आर यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप. यहां पे इलेक्ट्रॉन सोर्स भी अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सोर्स इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. दोनों केस में इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसके केस में भी और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन सोर्स विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बोथ द केसेस. नाउ फोटो ऑर्गेनिक हेटरोट्रॉप्स दे आर ऑफ थ्री टाइप, पर्पल दे आर ऑफ थ्री टाइप, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. राइट, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इनका जो पिगमेंट होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के केस में द पिगमेंट इज बैक्टीरियो परफ्यूरिन एंड इन केस ऑफ ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया द पिगमेंट इज बैक्टीरियो विरिडिन. बैक्टीरियो विरिडिन इन दोनों केस में यहां भी एक ही पिगमेंट सिस्टम होगा. दे हैव ओनली सिंगल पिगमेंट सिस्टम इन बोथ द केस, सिंगल पिगमेंट सिस्टम. राइट, अब यहां पे एनर्जी सोर्स क्या होगा, इस केस में भी एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहां पे भी एनर्जी सोर्स इज इलेक्ट्रॉन सोर्स इन बोथ द केसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, हियर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेट्स राइट द एग्जांपल ऑफ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस केस, प्रोपाइल अल्कोहल. प्रोपाइल एल्कोहल
And in this case, the example is malic acid. And let's write down the name of the bacteria, few examples of the bacteria which are present in these two categories. First is rhodospirillum. यहाँ पे लिखते हैं ऊपर मैं लिख रही हूँ रोडो एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया रोडो स्पाइरिलम एंड रोडोसिरोमोनास रोडो सिडो मोनास हियर द एग्जाम्पल इज क्लोरोफ्लेक्सस एंड Chlorofaxis and Chloronema. Chloronema. Now, let's discuss about the chemo organoheterotrophs. Out of these two, photoorganoheterotrophs and chemoorganoheterotrophs, chemoorganoheterotrophs are the most abundant type of the bacteria, and this type of nutrition is the most abundant type of the nutrition. So this is the most common type of nutrition among these two types. And again, they are of three types. They utilize the organic compounds for the carbon sources and as the electron source and fix the carbon dioxide. Now, they chemoorganoheterotrophs, they are again of three types. Let's see these three types. They are saprophytic or the saprophytic bacteria or saprotrophs, symbiotic bacteria or symbiotic nutrition, or you can write saprophytic nutrition, symbiotic nutrition and parasitic nutrition. Parasitic nutrition. So let's discuss each one by one. Saprotrophs जो होते हैं, they are totally free living, ठीक है? They are free living and they derive nourishment from the organic remains like dead animals, animals excreta, fallen leaves, ठीक है? So they derive nourishment from the organic remains, dead and decaying materials जो present होते हैं ना, उससे ये जो है नरिशमेंट डिराइव करते हैं ठीक है सो दे डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑर्गेनिक रिमेन्स में कुछ भी हो सकता है डेड एनिमल्स हो गए एग्जाम्पल हो गया डेड एनिमल्स और एनिमल एक्सक्रीटा एंड सो मेनी फॉलन लीव्स होते हैं rotten logs hoye rotten vegetables all these are the dead or the organic remains from which the saprotrophs derive nourishment how it derive nourishment basically kya hota hai they consist of the larger complex molecules theek hai ye jitne bhi organic remains hote hain they are made up of complex organic molecules they are made up of complex organic compounds ab क्या होगा कि सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं दे रिलीज सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर दिस सपोज ये कोई डेड रिमेन है ऑर्गेनिक रिमेन है सेप्रोट्रॉप्स ने क्या किया इनके ऊपर दे पोर सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे विल कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू simple substances into simple substances ab usko simple substance mein convert karne ke baad simple substances for example water ho gaya hydrogen sulfide ho gaya h2s carbon dioxide etc
अमोनिया हो सकता है, तो इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब ये सिंपल सब्सटेंसेस जो ये सिंपल फॉर्म में आया, नाउ दे विल एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस सेप्रोफाइट्स, दे विल अब्सॉर्ब, ठीक है। सो दिस इज हाउ द नरिशमेंट सेप्रोट्रॉप्स दे टेक नरिशमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स, डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स और डेड मटीरियल्स, राइट। नाउ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, दे आर जितने भी सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में, दे आर मेनली ऑफ ग्राम नेगेटिव टाइप, बच्चों हम डिटेल में सिम्बियोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में डिटेल में पहले ही पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को दे रिमेन इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बाय म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे को कुछ बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड दे प्रोवाइड्स बेनिफिट टू ईच अदर, राइट। तो यहां पे क्या होगा, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो विच परफॉर्म्स द सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, दे आर मेनली ऑफ ग्राम नेगेटिव टाइप। एक एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नूडल्स में दे फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, ठीक है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं अमोनिया में, ठीक है। तो इनसाइड द नोड्यूल, नॉट इन द फ्री स्टेट, दे फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनसाइड द नोड्यूल, राइट, नॉट इन फ्री स्टेट, ये ध्यान देना है। आपके क्वेश्चंस कई बार इस तरह, ये बड़े थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो होता है, ये बैक्टीरिया ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, बट नॉट इन द फ्री स्टेट, इट फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द इनसाइड द नोड्यूल। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स वेयर द एरोबिक बैक्टीरिया दे फिक्सेस द एटमोस्फेयर बैक्टीरिया दे फिक्सेस द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फ्री कंडीशन। लेट्स सी दोज बैक्टीरिया, दे आर सर्टेन बैक्टीरिया विच आर एरोबिक, ओके, एंड विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट। लेट्स सी वट आर दोज बैक्टीरियाज, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सच बैक्टीरियाज, एजिटोबैक्टर एजिटोबैक्टर बिजरिंकिया, बिजरिंकिया एंड क्लेप्सिएला, दीज आर द बैक्टीरियाज विच हैज द कैपेसिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फ्री स्टेट, राइट। वेयर एज राइजोबियम जो है, इट कैन नॉट फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट, देयर आर सर्टेन, दीज बैक्टीरियाज आर द एरोबिक बैक्टीरियाज, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिएगा। देर आर सर्टन बैक्टीरियाज विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन, बट दे आर एनएरोबिक बैक्टीरियाज, तो दे फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन एनएरोबिक कंडीशन। तो लेट्स सी दोज एनएरोबिक बैक्टीरिया विच फिक्स द फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल इट्स एग्जाम्पल इज क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम पैस्चुएराइनम। सो दीज आर द सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टन सिम्बायोटिक टाइप बैक्टीरिया। लास्ट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, अच्छा इन तीनों में सेप्रोफिटिक सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, इन तीनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है, अगर इन तीनों में देखें तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
ठीक है, सेप्रोफिटिक. पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, दे ड्रॉ द पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे ड्रॉ नरिशमेंट एंड ऑप्टेन स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक में आपने क्या देखा कि दे ड्रॉ नरिशमेंट दे ड्रॉ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द डेड रिमेन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स डेड एंड डिकेड मटीरियल्स. बट इन केस ऑफ पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे विल ड्रॉ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस स्पेशल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो ड्रॉ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एल ओ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, sometimes these bacteria can be pathogenic, can be non-pathogenic, sometimes these can be harmful, sometimes they do not have any effect on our body. So on the basis of their effect there are two types, pathogenic bacteria and non-pathogenic bacteria. Pathogenic bacteria kya hote hain, those bacteria which causes disease, and non-pathogenic bacteria which do not cause any disease, which do not cause any harm to the organism's body. So these are the types of the heterotrophic bacteria, and basically these are the types of the chemo-organo-heterotrophs bacteria. So initially we have discussed that nutrition is of two types, autotrophic and heterotrophic bacteria. Autotrophic mein humne dekha ki they are again of two types, photoautotrophic and chemoautotrophic. हेटरोट्रॉफिक में भी हमने देखा. अच्छा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में भी अगर न्यूट्रिशन की बात करें बैक्टीरिया में तो विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, इट इज हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक की फिर दो कैटेगरीज हैं, फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ एंड कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ. ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ. उसमें हेटरोट्रॉफ इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. अब हेटरोट्रॉफ्स दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स. इन दोनों में भी अगर हम मेन टाइप कॉमन टाइप देखेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप, तो इट इज कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ. नाउ कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ दे आर अगेन ऑफ थ्री टाइप, सेप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक एंड पैरासिटिक. तो आउट ऑफ दीज थ्री दिस इज द सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. Now, the next part of the topic is reproduction. We know that there are two types of the reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay? Asexual reproduction होता है और sexual reproduction होता है. Asexual reproduction में क्या होगा? Asexual reproduction में basically it reproduces by formation of spores or by binary fission, and it is basically uniparental. जबकि sexual reproduction क्या होता है? Biparental होता है. Asexual reproduction में क्या होगा? Gametes or the sex cells are not formed. ठीक है, whereas in sexual reproduction gametes or sex cells are formed. Gametes form होंगे, सेक्स सेल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, लेकिन ये यहां पे एब्सेंट रहेगा इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बैक्टीरिया में बेसिकली जो मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, मेनली मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें जो है, अब बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये दो प्रोसेस होते हैं, बायपेरेंटल होता है, गैमेट और सेक्स सेल फॉर्मेशन होते हैं, पर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में क्या, बैक्टीरिया में गैमेट्स फॉर्मेशन हो, पहली बार तो बायपेरेंटल होता है क्या? नो, इन केस ऑफ बैक्टीरिया नो बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, नो सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड, नो फ्यूजन टेक्स प्लेस. यहां पे फ्यूजन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता. सिर्फ होता है तो क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. राइट, सिर्फ रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया. ओनली विच प्रोसेस अकर्स, इट इज ओनली द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
which takes place in bacteria, and it shows this genetic recombination, it shows variation. So ऐसे type of reproduction where the true mode of the sexual reproduction is absent, this type of reproduction is known as the parasexuality. It is known as the parasexuality, and it is performed with the help of three methods. The three methods are transformation, conjugation and transduction, right? So sexual reproduction, agar hum sexual reproduction ki baat kare, to in case of bacteria true sexual reproduction is absent. True sexual reproduction bacteria mein absent rahega, only the thing which is present is the genetic recombination, which is also known as the such type of genetic recombination is known as parasexuality. Now in case of asexual reproduction bacteria mein kya hoga, asexual reproduction is the main type of the reproduction. Main type of the reproduction is asexual reproduction, and it takes place with the help of mainly it occurs by the binary fission. Ab asexual reproduction mein bhi jo main type of reproduction hai, main type of reproduction asexual reproduction mein bhi kaun sa hoga, binary fission. It is the main type of asexual reproduction, binary fission. It also takes place with the help of the formation, by the formation of spores. Spores कई तरीके के produce होते हैं. Sporangiospores produce होता है, sporangiospores produce होते हैं, oidia produce होगा, cunidia produce होंगे, but the most important and the most common type of the spores and which we will study in detail is the endospore. Endospore, right? तो हम we will discuss with this endospore in detail. So the most type of common type of the asexual mode of the reproduction is binary fission. ठीक है? Binary fission में क्या होता है? This process binary fission, अब ये जो है, it takes place under favorable condition. बाइनरी फिशन जो होता है कब होता है, जब कंडीशन फेवरेबल होती है. लेकिन एंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, अनफेवरेबल और स्ट्रेस कंडीशन, जब हाई टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, जो भी एडवर्स सिचुएशन होगी उस दौरान जो है the reproduction will take place with the help of endospore formation. अब binary fission में क्या होता है? Generally binary fission के through जो है bacteria it produces a large population. How it produces a large population? Due to the availability of nutrients, जो favorable condition है वो क्या है? Availability of nutrients, moisture and temperature. जब favorable moisture रहेगा, favorable temperature रहेगा, तो it will produce a large population of bacteria. लेकिन this rapid rate is seldom achieved in bacteria, right? This process it gradually slows down and later it becomes stops due to the क्या होगा? जैसे जैसे रिप्रोडक्शन हो जाता होता जाता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेंगे, हर बैक्टीरिया को क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी तो सर्टेन लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है. तो पहली बात तो एक लिमिटेड स्पेस में हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो पहली बात तो एक लिमिटेड स्पेस में जहां करीब 1 मिलियन बैक्टीरिया थे, अभी क्या हो गया, 10 मिलियन बैक्टीरिया हो गए, तो स्पेस की शॉर्टेज पड़ जाएगी. न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट थे, न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल थे, उनकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो एक्यूमुलेशन जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे. तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोइंग डाउन ऑफ द बाइनरी फिशन ऑफ द बैक्टीरिया और फॉर स्लोइंग डाउन और फॉर स्टॉपिंग द बाइनरी फिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स इन अ मीडियम. सो यू कैन राइट दिस हाउ या वाई the process of binary fission stops after a certain time. तो reason क्या है कि एक limited space में bacteria present है और वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है, बहुत ही फास्ट रेट होता है binary fission का, 20 minutes में एक cell दो cell को divide हो जाता है. तो सपोज 1000 बैक्टीरिया है तो एक तुरंत 20 मिनट में 2000 हो जाएंगे, फिर 4000 हो जाएंगे, तो क्या होगा वहां पे, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ स्पेस. रीजंस, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ स्पेस और क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ना लार्जर नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए दे विल बी there will be the lack of the nutrients, ठीक है, so there is the lack of nutrient availability और साथ ही में क्या होगा, इतने सारे bacteria हैं तो they will release some waste material, some toxins, so due to accumulation of the toxins their growth will stop, their division will stop. तो third reason is accumulation of waste material. So this is how after a certain time the reproduction will stop.